नुकसान पहुंचाने के बिजनेस को, ताकि हम टैक्स न भरे और मजीद नुकसान में डूबे। अच्छा, तो ये भी इल्जाम अब तुम मेरे ऊपर लगाना चाह रहे हो हैं? हमें मैं विलन हूं ना, मैं विलन हूं, मैं ही सबके हक बैठ के खा रहा हूँ, बाकी सब तो नेक बने घूम रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि ऑफिस के लोगों को हमारे घर की बातें मालूम हो, ये अच्छी बात नहीं है। और आखिर ये सब कुछ पता करके तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। सारे सबूत हबीब के खिलाफ हैं, उसी ने की है चोरी। एक बार भी फोन नहीं किया, पूछा भी नहीं कैसी इस औरत ने पूरी तरह आप पे काबू कर ली। ठीक, को मेरी फिक्र नहीं है तो मुझे भी उनकी फिक्र नहीं है। कैसी हैं आप? कैसी देख रही हूं जमशे? दिन गुजार रही हूं कि कुछ समझ में आ सके कि इस मामले का हल क्या निकले। अब हबीब भाई ने अब तक फोन नहीं किया आपको? वो क्यों मुझे फोन करने लगे? उनकी दूसरी बीवी है ना आप? मैं समझ सकता हूँ आप बहुत तकलीफ में हैं, बहुत दुख है आपको। शोहर की दूसरी बीवी को बर्दाश्त करना आसान नहीं है, लेकिन आप ये बात भी अच्छी तरह जानती हैं कि मर्द को चार शादियों की इजाज़त मजहब नहीं दी है। हाँ, सही कह रहे हो तुम जमशेद, चार शादियों की इजाज़त दी है, इस पर मजहब याद हो जाता है और किसी बात पे मजहब याद नहीं आता। दो वक्त की रोटी खिलाना, दो जोड़े कपड़े पहना कर देना, वही सब करने से समझते हैं अपना फर्ज अदा कर दिया। मजहब की बात करते हो तो मजहब की बात सुनो। क्या मेरे नवी ने बीबी आयशा का घर के कामों में हाथ नहीं बटाया? क्या मेरे नवी ने बीबी आयशा से मोहब्बत से बात नहीं की? उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी नहीं की? वो नाराज हुई तो उनको बनाया नहीं? नहीं, ये सब बातें मजहब की सुन्नत की याद नहीं आती मर्दों को। चार शादियों की बात, दो तीन चाहे जितनी भी कर लो शादियां, इन मामलात में मजहब याद आता है। को याद रहता है तो क्या कि तस्लील करना, उसकी इज्जत ना करना, उस पर हाथ उठाना, हल्का फुल्का तशद्दुद करना, या उसको बात बात पर तलाक की धमकी देना, ये याद रहता है जमशेद। बाकी मजहब की कोई बात याद नहीं रहती मर्द को। आपकी सब बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि अभी भाई में लाख है मैम, लेकिन आपा वो बुरे आदमी नहीं है। वक्त और हालात की वजह से उन्होंने बस कुछ गलत फैसले कर लिए। आखिर उन्हें समझाया जाए, थोड़ा वक्त दिया जाए तो वो ठीक हो जाएंगे। मुझसे ज्यादा जानते हो तुम इनको, मुझसे ज्यादा वक्त गुजारा है तुमने इनके साथ। इस शख्स ने कभी भी अपनी जिंदगी में एक बार भी माफी नहीं मांगी। माफी तो दूर की बात जमशेद, अपनी गलती पर शर्मिंदा तफनी हुआ। तुम समझाओगे इनको? आप से यकीन है वो ठीक हो जाएंगे। उन्हें आज तक किसी ने बैठ के समझाया ही नहीं है। मैं समझाऊंगा आपा उन्हें, और मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा आपा। एक बात बताओ जमशेद, ये सब मेरे लिए कर रहे हो या अपनी बीवी के कहने पर? आप कैसी बात कर रही हैं आप? परेशान नहीं हो मेरे भाई, मेरी माँ के घर के दरवाजे ना
बहुत दिन तक मुझ पर खुले नहीं है, मैं जानती। अरे अबाब, मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहूंगी जमशेद, बस थोड़ा रुक कर सांस लेना चाहती थी, समझना चाहती थी कि मुझे अपनी जिंदगी में अब करना क्या है। ज्यादा दिन नहीं रहूंगी यहाँ पे, और उसको बता देना जिसने तुम्हें ये समझा कर भेजा है ना, उसको बेतसल्ली दे देना कि मैं बहुत दिन यहाँ रहने नहीं वाली, जा रही हूँ यहाँ से, नहीं रहूंगी। आप अब अभी तक यहाँ सफाई भी शुरू नहीं हुई, कहाँ है ये, आई नहीं अभी तक, ये इधर आओ, ये कहाँ है आमला भी, अभी तक सफाई भी नहीं उसने शुरू की। अम्मा को इतना गुस्सा चढ़ता है ना जब काम वक्त पे नहीं होता, फिर सबकी खिंचाई होती है। प्रेमिया, आपको अभी तक पता नहीं चला क्या? रहीला आंटी, उन्होंने आमला भी को काम से निकाल दिया। क्या, क्यों? कागजात वाली बात पर मुझे देख के तो मुझे भी बातें सुनाने लगी थी, लेकिन बड़ी अम्मी वाकई हमला भी पे बहुत ज्यादा गुस्सा किया उन्होंने। होती कौन है हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने वाली, तो मामला भी को फोन कर, उनको कहो मैं बुला रही हूँ, फौरन आए। मैंने कॉल की थी सुबह में बड़ी अम्मी, लेकिन बहुत डरी हुई है। राहिला आंटी ने ना उन्हें जेल जाने की धमकी दी थी, तो उन्होंने तो मुझे साफ साफ कह दिया कि अब मैं तुम लोग के घर के मामलों में नहीं पढ़ना चाहती। तो फिर अब ये घर के काम कैसे होंगे? अम्मा को हर काम वक्त पे चाहिए होता है। बस भाई, अब तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, तुम सफाई शुरू करो, अम्मा ने तो जान निकाल लेनी है हमारी। बड़ी अम्मी, मैंने पढ़ना है। हाँ, मुझे पता है तुम्हें पढ़ना है, लेकिन अब क्या करें, आयशा तो है नहीं, तुम्हें मेरी मदद करानी पड़ेगी, तुम सफाई शुरू करो ना। हाँ, मैं किचन भी देखती हूँ और मैं सफाई में भी तुम्हारी मदद करती हूँ, अम्मा के कमरे से शुरू करना। हाँ, कैसे लिख रहे हो, ठीक से लिखो। ओहो, यहाँ देखो, ऐसे थोड़ा गैप दो, अब लिखो। राइटिंग तो ठीक करो बेटा सलमान। सिमरा, दिखाओ कहाँ तक किया। चलो ये बंद करो सब, बाहर जाके खत्म करो काम को। चलो 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 चलो, मैं आके देखता हूँ, चेक करता हूँ। कंप्लीट करना। अच्छा, उठिया नहीं पहना करो। फराज साहब, आप जरा संजीदगी से नौकरी ढूंढे, ऐसे कब तक चलेगा? तुम्हें क्या लग रहा है, क्या कर रहा हूं मैं, फारिग बैठा हूं। ये बिजनेस में जब तक आप इन्वॉल्व रहेंगे ना, तब तक नई नई स्कीमें आपके दिमाग में दौड़ती रहेंगी, और इन्हीं स्कीमों की वजह से ना आज सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमें पाकिस्तान आके बैठना पड़ा। अब ताने मारोगी तुम मुझे? बात तानों की नहीं है, सब कुछ तो अच्छा भला चल रहा था, लेकिन आपकी तो लालच ही नहीं खत्म होती। तो तुम्हें ये लगता है कि मैं सिर्फ जो कुछ कमाता हूँ अपने लिए कमाता हूँ, सब कुछ अपने लिए कर रहा हूँ? जरा अपनी फरमाइशों की तरफ भी देखो, बच्चों को बड़े टॉप स्कूल में पढ़ाना है, पता है कितनी फीस होती है इन स्कूलों की? लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें तो सिर्फ मुकाबलेबाजी करनी है, महंगे महंगे तोहफे देने हैं अपने दिखावे के लिए। एक तनख्वाह में सब पूरा नहीं होता बेगम। हाँ, सब हमारी गलती है, हमारा कसूर है, आपकी इज्जत रखने के लिए करती हूँ फराज साहब, ताकि आपकी इज्जत बनी रहे सबकी नजरों में। और अब तुमने मेरी इज्जत दो कौड़ी की कर दी है। अच्छा खासा सब कुछ हाथ में आ रहा था, सारा काम बिगाड़ दी। बस कर दे, खुदा के लिए बस कर दे। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। ठीक है, नहीं करता कुछ, करो अपनी मनमानी, सड़ती रहो, बैठी रहो अपने मायके में, और हबीब के बच्चों की तरह अपने बच्चों को भी उनका गुलाम बना के रख दो, ताकि सारी जिंदगी उनका एहसान माने। हम क्यों पड़े रहेंगे सारी जिंदगी इस घर में? ये आपका फर्ज है कि आप अच्छी नौकरी ढूंढे और हमें एक अच्छा घर लेके दे। वाह, बहुत आसान है, जैसे नया घर किराए पे लो तो पूरे साल का किराया एडवांस देना पड़ता है,
सामान डालना पड़ता है उसमें, पता है शिफ्टिंग में कितना खर्चा होता है? लेकिन नहीं, तुम्हें क्या परवाह है, बस लेक्चर दो। वो भी कौन सा सुन लेते हैं, गेम ही खेलें। मेरे नाम से 10 लाख रुपए अकाउंट में किसने जमा कराए? सर इस बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता। तो मेरे खिलाफ कौन काम कर रहा है? हबीब साहब, ज़हीर साहब के अकाउंट से पहले वो खुद ही पैसे निकालते थे, उसके बाद आप, और सर फाकिर साहब के पास तो अभी सैनिक अथॉरिटी भी नहीं है। अच्छा, 10 लाख रुपए चोरी हो गए कंपनी से और तुम्हें कुछ नहीं पता? सच सच बताओ, किसने की है हरकत? सच बता दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ बोलो। सर मैं वही अपसेट्स कर रहा हूँ कि सर बिल्कुल भी हमें नहीं पता इस बारे में। मैं पता लगा लूंगा किसने चोरी किए हैं ये पैसे, और जिसका भी नाम निकल कर आया उसको मैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और अंदर जाएगा वो। समझ में आ रही है बात? आपके समझ में आ रही है? सुन लिया? घबरा बेटा, तुम ज़हीर के बच्चों की तरह से हो। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे वकील भी हो, तो इसलिए मैंने आज आपको बुलाया है कि अब मैं क्या कहूँ आपसे। ये घर और जो छोटा मोटा कारोबार है वो सारा का सारा ज़हीर की अपनी दिन रात की मेहनत का नतीजा है ना? जी मैं जानता हूँ, ज़हीर भाई बहुत अच्छे और नेक इंसान। हाय बच्चा हीरा था, हीरा तुमसे क्या छुपाना बेटा, तुम मेरे बच्चों की तरह से। ज़हीर का जब से इंतकाल हुआ है ना, उसके सारे बहन भाई उसकी जायदाद उस कारोबार पर कब्ज़ा करने के लिए लड़ रहे हैं आपस में, उनकी नज़रें उसके कारोबार पर हैं, हड़प करना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि बाप दादा की जायदाद नहीं है, ये सब ज़हीर भाई की मेहनत है और उस मेहनत पे उसकी औलाद का ही हक है। सही कह रहा हूँ, लेकिन मसला ये है बेटा का फाकरा भी बहुत छोटा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ऐसे कानूनी पेपर बनाएं जिसमें सारा कारोबार और सारी जायदाद फाखर के नाम हो, और उन पेपर्स में आप ये लिखवाएं कि उसके सरपरस्त जो हैं उसकी वालिदा यानी मेरी बहू मेरे बेटे की बेगम होगी समीना उनका नाम, ताकि बेटा जब वो बड़ा हो तो कोई गड़बड़ ना हो और सारी जायदाद उसको ही मिल जाए, कोई और दूसरा उसको हड़प ना कर सके। मैं समझ गया आपकी बात, अब बेफिक्र हो जाएं, जिस तरह आप चाह रही हैं वैसा ही होगा। मैं कल ही स्टाम्प पेपर निकलवाता हूँ और डॉक्यूमेंट्स बनवाता हूँ, उसके बाद आपकी साइन ले लूँगा। सही, लेकिन एक बात का ख्याल रखना बेटा, कि मेरी मौत तक किसी को कानो कान खबर ना हो कि ये सारा कारोबार फाखिर के नाम हो चुका है कानूनी तौर से। वो नहीं चाहती कि मेरे मरने से पहले इस किस्म का कोई फसाद हो मेरे घर में, समझ रहे हो ना तुम? आप बेफिक्र होंगे, जिससे आपने सोचा है वैसा ही होगा। ठीक है बेटा, जीते रहो। खुश रहो। एनी ये जल्दी से सफाई खत्म कर लो इधर किचन की, फिर मैं तुम्हारे साथ मिलके ना वो स्टोर भी साफ करा देती हूँ। मैंने ये सब क्यों कर रही है? मासी कहाँ पे है? अरे भाई मासी को जो निकाल दिया है मैडम ने, क्या करें? तो सब ठीक है, लेकिन एनी अकेले कर रही है ना ये सब कुछ,
वाह भाई वाह, वो नजर आ रही है, मैं नजर नहीं आ रही हूँ। ठीक है भाई, यही होता है शादी के बाद। हाय, अरे भाई मासी है ये नहीं, आयशा भी नहीं है तुम जानते हो, तो फिर कौन करेगा? मैं और एनी रह गए ना, घर का काम तो करना है, वो तो होगा। वो सब ठीक है, लेकिन ये दुनिया की आखिरी मासी तो नहीं थी ना, और मिल जाएंगी तो आप ढूंढी तो सही। हाँ हाँ, जब तक नहीं मिलती तब तक ही कर रहे हैं ना, जब मिल जाएगी तो फिर वो संभालेगी। अरे जवान बच्ची है, संभाल लेगी, चंद दिन की बात है। और ये बस मैं किचन का काम कर लूँ, फिर मैं भी लग जाऊंगी उसके साथ, हो जाएगा काम। ये सब थोड़ी कह रहा हूँ कि आप भी उसकी जाके मदद करना शुरू हो जाए, मैं तो चाहता हूँ आप लोग भी काम ना करें, कोई मासी नहीं ढूंढे, घर में रखे उसको। इतना आसान काम नहीं है अच्छी मासी को ढूंढना, चंद दिन तो लगेंगे ना, जब तक नहीं मिलती तब तक तो हम दोनों को ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता। अरे तुम जाओ, परेशान ना हो ना, ये हम लोगों का काम है, कर लेंगे। एक बात बताए मुझे, वो जो नई नवेली दुल्हन है जिन्होंने सबको निकाला, वो काम वो क्यों नहीं करा रही सारा काम? जाओ कह दो तुम, छके जाओ, कहो उनको आके काम कराए, जाओ तुम। जा रहा हूँ, बात हो शाम में। हाँ इरा, कुछ मालूमात मिली हमजा के स्कूल से? अरे अरे सबर लड़की, थोड़ा आराम से रिलैक्स। ना सलाम, ना दुआ, ना हाल अहवाल। बता रही हूँ, तुम्हारा मजाक खत्म नहीं होगा ना हिरा, मैं बहुत सीरियस हूँ इस मामले में। अच्छा भाई, नहीं करती मजाक, तुम तो सीरियस ही हो जाती हो। अब इधर उधर की बातें करती रहोगी, मुझे कुछ बताओगी भी? एनीवेज, इससे पहले तो मुझे काटने को आओ, लेट्स कट टू द चेस। मैंने अपने कजन से बात की थी, वो हमजा उससे सिर्फ एक साल ही सीनियर है, लेकिन उसने हमजा को स्कूल में देखा है और कह रहा था कि कुछ सीनियर्स को जानता है, जल्दी पता लगा लेगा कि आखिर चक्कर है क्या। ये तो बहुत अच्छी बात है, अपने कजन से कहो कि मुझे कल ही सारी डिटेल्स दे, उस लड़की के बारे में जानना अब मेरी जिद बन गई है। ओके बाय। दो टके की इज्जत हो गई है इस घर में मेरी, मैं अपनी इज्जत और मिट्टी में नहीं मिला सकता। बस भूल जाए, भूलते क्यों नहीं है उन लोगों की बातें, दिल पे क्यों ले लेते हैं? आपको याद है अम्मा ने क्या कहा था कि जब घर का सरबरा बनना होता है, जिम्मेदार बनना होता है ना, तो कुर्बानियां देनी होती हैं, और इनके लिए नहीं दें कुर्बानियां, अपने लिए दें, हमारे लिए दें। खुल के सबर के साथ सुकून से मुझे बताएं बात क्या है। फाकिर साहब, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था कि ज़हीर साहब ने जब से ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, मैं डे वन से उनके साथ काम कर, और इस कंपनी में जो भी हालात हैं वो मैंने देखे हैं, मुश्किल हालात भी देखे हैं और अच्छे हालात भी देखे हैं, लेकिन अब जो इस कंपनी में हो रहा है ना, वो ठीक नहीं हो रहा है। है ना, क्या चाह रहे हैं हम, जरा प्लीज खोल के बताएं ना। फकर साहब, एम्प्लॉयज़ का मोरल अभी डाउन है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि रिपोर्ट किसको करनी है, इस कंपनी का मालिक कौन है। आप अभी छोटे हैं, इनएक्सपीरियंस हैं, हबीब साहब की जहनी कैफियत को देखते हुए मैंने ये सोचा कि मैं आपसे बात कर लूं। और एक बात आपको और बतानी थी कि वो टैक्स वाला मामला हल हो गया, हमने टैक्स जमा करवा दिया है। वाकई? बहुत अच्छी बात है खबर साहब, आपको इस चीज का अंदाजा ही नहीं है आपने कितनी बड़ी मुश्किल हो रही है उनकी। शुक्र है खुदा का, आपने ईमानदारी और मेहनत के साथ ही काम किए हैं। मैंने हमेशा जब भी बाबा से जो आपके बारे में जिक्र सुना, उन्होंने हमेशा आपकी तारीफ की और आज देख भी लिया मैंने। फकीर साहब, सच कहूँ तो मुझे आपके अंदर ज़हीर साहब का नज़र आता है, आप बहुत आगे जाएंगे। हाँ, ये मुश्किल वक्त है, ज़हीर साहब ने हमें ऐसे बहुत सारे मुश्किल वक्त से निकाला है, और इंशाल्लाह ताला ये भी वक्त निकल जाएगा। मैं आपके लिए दुआ करूँगा।
खबर साहब, हम सबको जो है वो मिल के आगे बढ़ना है तो ये बिजनेस चलेगा। ये बिजनेस है तो हम काफी साहब, मैंने आपको हमेशा अपने बच्चों की तरह देखा है। जहीर साहब ने ये बिजनेस अपनी फैमिली की तरह स्टार्ट किया, और अगर फैमिली ही नहीं रही तो बिजनेस कैसे चल सकता है। एनीवे, मेरे दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू। सॉरी फाखर, मुझे पता ही नहीं चला तुम आ गए। अरे यार, मैंने तुम्हें जगा दिया, थक गई होगी, तुम सो जाओ ना अभी। हाँ थक तो गई हूँ मैं, ज्यादा काम कर लिया आज मैंने, सही से पढ़ाई भी नहीं कर पाई। सॉरी यार, कुछ कर ही नहीं पा रहा मैं तुम्हारे लिए। क्या मतलब? तुम सारा दिन घर का काम करती हो यार, थक जाती हो, क्या करूं मैं भी। तो एक काम मुझे शायद रोज करना पड़े। तुम मत किया करो काम, मैंने ऑफिस में पियोन से बात करी है, उसकी कोई जानने वाली है एक मासी जो करती है काम, थोड़े दिन में वो आ जाएगी, फिर काम तुम्हारा आसान हो जाएगा। वैसे अगर मासी लग जाना तो अच्छी बात है, तो काम तो वाकई बहुत मुश्किल है, मेरे कमर में भी बहुत दर्द होता है। खाना खाया तुमने? नहीं, सोचा था कि थोड़ा काम करूंगी और बैठ के फिर खाना खा लूंगी, लेकिन मेरी तरह की तुमने काम करने के बाद खाना भी बनाया। तो खाना बनाने की भी तो जिम्मेदारी मेरी है। खाते हैं फिर साथ खाते हैं। मैं लेकर, तुम बैठो, तुम बैठो, मैं लेकर रेस्ट करूँ यहाँ पे, अभी थोड़ी देर आराम करूँ, मैं गर्म करके लाता हूँ, ठीक है? नहीं, तुमने सारी चीजें सही से रख ली थी ना, सब फिल कर लिया था ना? हाँ।
सफल कर लिया। तुम जाओ सबमिट करवा दो सारी चीजें, मैं वेट करूंगा। पता नहीं कितनी लंबी लाइन है। तुम मेरे साथ अंदर नहीं आ रहे? अंदर नहीं आ रहा यार, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। तुम जाओ जल्दी से आ जाओ वापस। ठीक है। वैसे फाकिर तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछो। तुम क्या कभी भी स्कूल नहीं जाओगे? पता नहीं यार, फिलहाल मकसद कुछ और है मेरा। वैसे भी हम दोनों के हिस्से की पढ़ाई तो तुम कर ही रही हो। सही। आओ जल्दी से। आती हूँ। थैंक यू सो मच सर। अब एनी तुम यहाँ? मुझे पता नहीं था हमारी ऐसे मुलाकात हो जाएगी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आगे का क्या सोचा है तुमने? मतलब पढ़ाई कंटिन्यू करनी है या बस ख़त्म? कंटिन्यू करूँगी मैं पढ़ाई, कोई मुझे रोक नहीं सकता। इनफैक्ट मैं कुछ फॉर्म्स जमा करवाने आई थी और सर्टिफिकेट्स लेने आई थी, आगे मैंने प्री इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स चूज़ करने। तुम वाकई में आगे पढ़ाई कर रही हो? दैट्स ग्रेट यार। सच बताऊँ तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सब फाकर की वजह से हुआ। अगर वो नहीं होता ना तो मैं आगे पढ़ नहीं पाती। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, तुम अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर रही हो। और तुम क्या करोगे आगे? मैंने बिजनेस सब्जेक्ट उठाने का सोचा है, आगे एमबीए करने का सोच रहा हूँ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इट्स अमेजिंग, जरूर करना चाहिए। ऑब्वियसली यार, ये पढ़ाई तो है जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। अच्छा मैं निकलती हूँ। चलो। फाकिर इंतजार कर रहा होगा मेरा। एनी? हाँ? बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। थैंक यू, यू टू। थैंक यू। सॉरी फाकिर, बहुत ज़्यादा देर हो गई, लाइन बहुत लंबी थी। खैर कोई मुश्किल की बात नहीं। तुमने सारी चीज़ें जो है वो ले ली हैं? कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये जो जो तुम्हें चाहिए था? हाँ। ये फाकिर, तुम्हारी वजह से ये सब कर पा रही हूँ मैं। खैर यहाँ कोई मुश्किल की बात नहीं। इस रिश्ते के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर पता है मुझे कि एक दूसरे को अगर हम सपोर्ट करें तो उसी में हमारी बेहतरी है, वरना हमारे घर वाले जो है ना वो कच्चा चबा जाएंगे हमें। खैर सारी बातें इधर ही करनी है, कहीं चले? चलो, वैसे भी बहुत देर हो गई है। चलो चलते हैं, कॉफ़ी पीने चलते हैं। कॉफ़ी? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? जाना तो है, पर थोड़ी देर बाद चला जाऊँगा तो मसला नहीं है, क्योंकि घर से भी कुछ खा के नहीं निकला था, भूख बड़ी लग रही है यार। नहीं फाकिर, बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। अगर घर देर से जाएंगे ना तो फिर घर वाले 100 सवाल पूछेंगे और बहुत गुस्सा होंगे, तुम्हें यह बात पता है। वैसे हम कोई गुनाह कर नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आपका बहुत दिल कर रहा है घर पे जाके झाड़ू पोछा करने का तो फिर चलते, चलो आ जाओ। नहीं नहीं भाई, चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं। चलो चले। पापा? हाँ, तुम पढ़ रही हो? सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया था। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पढ़ रही थी। कोई काम है आपको? मैं तो बस देखने आया था कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। मेरी तबीयत तो ठीक है पापा, मुझे क्या होना है? दरअसल तुम्हारी अम्मी तुम्हें लेकर काफ़ी परेशान है, तो हर वक्त कमरे में रहती हो, खाना वक्त पर नहीं खाती, हमारे साथ बैठकर बात भी नहीं करती हो। बेटा सब ठीक तो है ना? जी पापा, मम्मी हाँ, मैं कब परेशान हो रही हूँ और फिर वो आपको ही परेशान करती हैं। मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं और फिर कोई ट्यूटर भी नहीं है, तो मैं अपने कमरे में बैठ के पढ़ रही होती हूँ। चलो अच्छी बात है कि तुम पढ़ाई को लेकर सीरियस हो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा फैमिली को भी टाइम दिया करो। जी पापा। शाबाश, अब तुम अच्छे से पढ़ो, अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा और शाम को बैठकर खूब बातें करेंगे, ठीक है? ठीक।
कब से चाय का कहा था मैंने, अब लेके आ रही हो? अम्मा घर में और भी बहुत सारे काम है ना, वो भी देखने हैं। ये आयशा अपनी माँ के घर जाके बैठी गई, तुम्हें फ़ोन पे बात हुई उससे? नहीं अम्मा मेरी कोई बात नहीं हुई है, और शायद उसे चंद दिन और लग जाए। कुछ दिन और क्यों, बस बहुत हो गया, उसे कहो वापस आ जाए, फ़ोन करो उसे। जी वो तो मैं कह दूँगी, लेकिन घर पे और मसला खड़ा हुआ है। क्या हुआ, हबीब ने फिर और कुछ कह दिया उससे? नहीं अम्मा हबीब ने नहीं, उसकी वो लाडली, उसने मसला खड़ा किया। अब उसने क्या कर दिया? करना क्या था, वो आमना मी को नौकरी से निकाल दिया है, भगा दिया है। अरे वो कौन होती है फैसला करने वाली, किससे पूछ के उसने ये फैसला किया? आप ही पूछे उससे, बहुत परपुरजे निकल आए उसके। नाइला मैं जा रहा हूँ ऑफिस के काम से, तुम खाना खा लेना, मेरा इंतज़ार नहीं करना, ठीक है? खा ही लूँगी, अकेली ही खाती हूँ खाना मैं, पर उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का सलूक होगा मेरे साथ इस घर में। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि बहुत अरमानों से लाए थे ना मुझे यहाँ, कि पता नहीं बहुत खुश रहूंगी मैं यहाँ पे, खाना तक तो खाता नहीं है कोई मेरे साथ, आपके साथ खा लेती हूँ तो आप ही चले जाए, कुछ हैसियत नहीं है मेरी इस घर में वैसे अभी। तुम अपनी हैसियत की बात कर रही हो, मेरी इज्जत अफजाई देखी है इस घर में, इसके बावजूद शिकायत कर रही हूँ मुझसे? आपके अपने लोग हैं ना ये, आपके साथ जो करें वो और बात है, मैं तो बाहर से आई हूँ, मुझसे मोहब्बत से इखलाक से मेरे साथ रहेंगे तभी तो कोई अपनाइयत आएगी, सिर्फ गैरों वाला सलूक ही होता रहता है हर वक्त। अच्छा तुम्हें मेरे घर वालों से अपनाइयत करके क्या हासिल हो जाएगा, मैं तो उनका अपना हूं, मेरे साथ क्या किया है उन्होंने देखा तुमने, सब खिलाफ हो गए हैं मेरे, और अम्मा को भी मेरे खिलाफ कर दिया है। मैं ये बात समझाती हूँ तो क्यों नहीं समझते आप, इनका मकसद है ये कि आपको ऐसा कर दें कि आप खामोशी से कोने में लग जाएं जाकर, ना कुछ बोले ना कुछ सुने, बस सर हिला के अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं रिश्ते के नाम पे। इस तरह क्या होगा, सारे मामलात से दूर हो जाएंगे, आपकी अहमियत खत्म हो जाएगी, उनका मकसद कामयाब ना होने दे यही चाहते हैं वो, बड़े हैं घर के जिम्मेदार हैं, साबित करें ये बात, उनको उनको लगे कि वो जीत रहे हैं, लेकिन जीत आपकी हो हबीब। इतना आसान नहीं है राहिला, दो टके की इज्जत हो गई है इस घर में मेरी, मैं अपनी इज्जत और मिट्टी में नहीं मिला सकता बस। भूल जाए, भूलते क्यों नहीं है उन लोगों की बातें, दिल पे क्यों ले लेते हैं? आपको याद है अम्मा ने क्या कहा था, कि जब घर का सरबरा बनना होता है, जिम्मेदार बनना होता है ना, तो कुर्बानियां देनी होती हैं, और इनके लिए नहीं दें कुर्बानियां, अपने लिए दें, हमारे लिए दें, याद है इन सब लोगों को क्या क्या अहमियत क्या है, समझ रहे हैं आप? हाँ खा लूंगी मैं खाना अकेले, परेशान ना हो। इस तरह से मैं जाऊं या रुकूं क्या? चाय आखिर इतनी देर हो गई है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कहीं ना कोई मसला खड़ा होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों परेशान हो रही हो, टेंशन ले रही, चलो मैं हूँ साथ, आ जाओ चलो। अरे कहाँ रह गए थे तुम लोग, हाँ
इतनी तौफीक नहीं हुई कि जाने से पहले किसी को बता के जाओ कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। फोन भी नहीं किया, ये क्या तरीका है भाई? सॉरी बड़ी अम्मी। सॉरी क्या, इतनी गैर जिम्मेदार हो गई हो तुम्हें। माँ हम एनी के स्कूल गए थे, कुछ इसको फॉर्म फिल करवाना था इंटर का, तो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करने थे, इसलिए गए थे। अरे पागल हो गए तुम लोग, पता भी है अम्मा ने इसकी पढ़ाई से साफ इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। और सच्ची बात है, जो हालात है ना उसमें मुझे भी लगता है कि इसको पढ़ाई रोक देनी चाहिए। अरे घर की जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही है, मैं अकेले नहीं संभाल सकती। लेकिन समझ नहीं आती, तुम तो अपना बचपना ख़त्म करो ना। इस पर बचपना क्या है, अगर वो पढ़ना चाहती है तो हम क्यों उसको रोक रहे हैं इस चीज़ पे? मुझे तो यही समझ आ रही है कि क्यों मसले खड़े हुए जा रहे। क्या समझ नहीं आ रही, बात मसले की नहीं है, बात उस सोच की भी है जिसे तुम चाहते हुए भी बदल नहीं सकते, अच्छी तरह जानते हो तुम। बात सोच की नहीं, बात अहमियत की है जो अम्मा आपको कभी नहीं मिली। बाबा से भी आपको यही शिकायत थी ना कि बाबा आपकी बात नहीं सिर्फ दादी की सुनते थे, तो वही साइकिल आप एनी के साथ क्यों रिपीट कर रही हैं? आपकी अहमियत मेरे लिए बहुत है, लेकिन इसकी अहमियत मेरा फर्ज है ना, ये कोई गैर तो नहीं है। मैं तो सिर्फ बाबा का किया हुआ वादा पूरा कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है। बाकी आपकी बात सर आंखों पर, सारी बातें एक तरफ, लेकिन इसको पढ़ाई की इजाज़त इसी शर्त पे मिली थी ना कि घर की जिम्मेदारी भी पूरी करेगी, और मैं ये सब कुछ अकेला नहीं कर सकती। हाँ बड़ी अम्मी, मैं से वादा करती हूँ कि मेरी पढ़ाई की वजह से ना घर के कामों में कोई हर्ज नहीं होगा। अब जो काम कहेंगी मैं वो करूँगी, झाड़ू लगा दूंगी, पोछा लगा दूंगी, डस्टिंग कर लूँगी, अब जो करें बस मेरी पढ़ाई को ना रुकवाएं। ठीक है, अब देख लेना, शिकायत का मौका ना देना। ठीक है, जाओ अब। बाबा से भी आपको यही शिकायत थी ना कि बाबा आपकी बात नहीं सिर्फ दादी की सुनते थे, तो वही साइकिल आप एनी के साथ क्यों रिपीट कर रही है? आपकी अहमियत मेरे लिए बहुत है, लेकिन इसकी अहमियत मेरा फर्ज है ना। कश्तियों को बेसहारा छोड़ती है।